नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज वैसे विराट महानगर पालिका मैराथन 11वां संस्करण विराट से शुरू हुआ और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हमने सुबह खबर चलाई, आपने वीडियो देखा है, लेकिन वो खबर फ्लैग ऑफ की थी। अब इस खबर में हम थोड़ा विस्तार से पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। वीडियो जरूर लंबा है, थोड़ा अंत तक जरूर देखना। तो मैराथन की शुरुआत हुई आज सुबह 5:30 बजे से। पहला फ्लैग ऑफ हुआ 5:30 बजे फुल मैराथन का विरार विवाह कॉलेज से, ड्यू विवाह कॉलेज। उसके बाद 6:45 बजे 11 किलोमीटर, 6 बजे 5 किलोमीटर, साथ ही साथ 6 बजे वसई की विक्टर हाइट्स से हाफ मैराथन का फ्लैग ऑफ हुआ। विरार में 5:30 बजे हुए फ्लैग ऑफ में महानगर पालिका आयुक्त और नावसपारा विधायक, वहीं बोईसर विधायक, साथ ही साथ इवेंट की ब्रांड एम्बेसडर पारुल चौधरी, मशहूर फिल्म डायरेक्टर महेश मांजरेकर, ऐसे कई लोग, गणमान्य लोग, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। वहीं 6 बजे वसई से जो फ्लैग ऑफ हुआ उसमें वसई विधायक हितेंद्र ठाकुर के साथ आईपीएस अफसर और बाकी राजनीतिक लोग मौजूद रहे। उसके बाद लगातार एक के बाद एक इवेंट के फ्लैग ऑफ होते रहे। कुल मिलाकर 18 प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें फुल मैराथन में 1000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और हाफ मैराथन में भी कई लोगों ने हिस्सा लिया। फुल और हाफ मैराथन यह तो पेशेवर लोगों के लिए है। वसई विरार महानगर पालिका स्थानिक लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से प्रतियोगिता आयोजन करती है, उसमें कई चीज, कई खासियत है। विशेष तौर पर स्कूली बच्चों के लिए अलग अलग ग्रुप्स, वो एक खासियत है। बुजुर्गों के लिए प्रतियोगिता आयोजन, वो एक खासियत है। इस साल पहली बार वसई विरार महानगर पालिका ने व्हीलचेयर प्रतिस्पर्धा रखी 1 किलोमीटर की, जिसमें 7 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने व्हीलचेयर पर 1 किलोमीटर पूरा किया। वसई विरार महानगर पालिका की इस मैराथन का जो सबसे अंतिम क्षण रहता है, सबसे अंतिम प्रतिस्पर्धा रहती है, धमाल धाव, वो बेहद निराली है। इस प्रतिस्पर्धा में जो भाग लेने वाले प्रतियोगी है उनको दौड़ना नहीं होता है, बल्कि अलग अलग ग्रुप में वो कोई सामाजिक संदेश लेकर चलते हैं और उस सामाजिक संदेश के तौर पर जागरूकता फैलाते हैं। तो आज भी धमाल धाव में ऐसे कई ग्रुप थे, उसमें खासकर एक ग्रुप था, यंग लड़कों का ग्रुप था, जो आज के समय में बेरोजगारी जितनी फैली हुई है उसके ऊपर वो जागरूकता फैला रहा था। एक ग्रुप था वो मेंटल हेल्थ, किस तरह से आज लोग डिप्रेशन में जाते हैं और खुद जान दे बैठते हैं, तो उसके क्या नुकसान है, उसको लेकर जागरूकता फैला रहा था। एक ग्रुप योग से क्या फायदे हैं, पतंजलि का ग्रुप, वो उसकी जागरूकता फैला रहा था। और सबसे अंत में, सबसे टॉप में जो ग्रुप था, वो ग्रुप था अखंड भारत। ये ग्रुप है एक्चुअली विरार में रहने वाले मॉर्निंग वॉक ग्रुप है, जिसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग और ऐसा गेटअप बनाकर आए थे, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक मंच पर, और किस तरह से वो सभी एकजुट होकर चलते हैं। लेकिन आगे जाके उन्होंने एक नाट्य प्रदर्शन किया, उसमें दर्शाया कि वो सब एक साथ है, लेकिन आगे जाकर भ्रष्टाचार रूपी राक्षस इतना हावी हो जाता है कि जो लोग कल तक दोस्त थे आज धर्म के नाम पर लड़ने झगड़ने लगे। तो कहीं ना कहीं यह सच्चाई इस समय जो हम देश भर में देख रहे हैं उसको ये प्रदर्शित कर रहा था। तो ऐसे लोग काफी बहुत ही अच्छा उनका यह प्रेजेंटेशन था और उसके लिए उनको प्रथम इनाम भी मिला। खैर, फिर से आते हैं अपन बात करने मैराथन की। तो मैराथन रूट 42 किलोमीटर फुल मैराथन, 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, आप सभी को मालूम ही है।
बयालीस किलोमीटर में भाग लेने वाले में विजेता जो रहे, तो 42 किलोमीटर में फुल मैराथन के विजेता रहे तीर्थापुन, जिन्होंने 2 घंटे 21 मिनट और 48 सेकंड का समय निकाला। इनका ये बेस्ट समय है और ये पहली बार पूर्ण मैराथन दौड़े। इसके पहले हाफ मैराथन दौड़ चुके हैं, लेकिन पूर्ण मैराथन पहली बार दौड़े और उसमें विजेता साबित हुए। दूसरे नंबर पर आए मोहित राठौड़, जो डिफेंडिंग चैंपियन है, पिछले साल जिन्होंने ये प्रतियोगिता जीती थी। उन्होंने 2 घंटा 26 मिनट और 43 सेकंड, लगभग 5 मिनट का डिफरेंस रहा फर्स्ट और सेकंड के बीच। और तीसरे नंबर पर रहे तड़खे सिकंदर चिंदू, जिनका समय रहा 2 घंटा 28 मिनट 36 सेकंड। इसके बाद में ये एलिट ग्रुप है जो प्रोफेशनल। उसके बाद में हाफ मैराथन में पुरुष में मोहम्मद नूर हसन, उनका 1 घंटा 4 मिनट 45 सेकंड, पुनीत यादव 1 घंटा 4 मिनट 49 सेकंड, अरुण धन सिंह राठौड़ 1 घंटा 4 मिनट 53 सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड रहे। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के बीच में 4-4 सेकंड का सिर्फ गैप रहा। 21 किलोमीटर आधी अर्ध मैराथन महिला में, महिला वर्ग में प्राजक्ता गोडबोले ने 1 घंटा 18 मिनट और 12 सेकंड का समय निकालकर विजेता रही। तो वही तामसी सिंह 1 घंटा 20 मिनट 9 सेकंड और सेकंड और थर्ड पर फूलन पाल 1 घंटा 20 मिनट 28 सेकंड रहे। पूर्ण मैराथन ओपन वर्ग, एलिट का हमने बताया आपको, अभी ओपन वर्ग। ओपन वर्ग में मनोज कुमार यादव 2 घंटा 27 मिनट और 25 सेकंड का समय निकालकर विजेता रहे प्रथम। तो द्वितीय निखिल सिंह 2 घंटा 29 मिनट 53 सेकंड, तृतीय भगत सिंह वल्वी 2 घंटे 30 मिनट 59 सेकंड। वहीं पूर्ण मैराथन ओपन वर्ग महिला, उसमें प्रथम अश्विनी जाधव 3 घंटे 36 मिनट 38 सेकंड, द्वितीय अभिलाषा भगत 3 घंटे 22 मिनट 48 सेकंड और तृतीय नूतन 3 घंटे 23 मिनट 24 सेकंड ऐसे विजेता रहे। इन सभी विजेताओं को पुरस्कार राशि दी गई। एलिट के फुल मैराथन विजेता प्रथम को 3 लाख, द्वितीय को 2 लाख और तृतीय को 1 लाख पारितोष दिया गया नगद पुरस्कार। उसके अलावा अर्ध मैराथन एलिट महिला और पुरुष दोनों में दोनों के विजेताओं को 2 लाख, सेकंड पोजीशन को 1,25,000 और थर्ड पोजीशन को 75,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ पूर्ण मैराथन के विजेता के जो कोच है उनको 51,000 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया। तो ये इस तरह से पूरी मैराथन संपन्न हुई। अब बात करें, इस मैराथन में भाग लिया जहां हमने 14,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया, उसमें हर कोई आकर्षण का केंद्र था, लेकिन कई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, साथ ही साथ वसई विरार महानगर पालिका के ऑफिशियल्स, रेलवे के अधिकारी, उन्होंने भी हिस्सा लिया और वो भी खुद इसमें कोई 5 किलोमीटर, कोई 11 किलोमीटर, कोई 42 किलोमीटर ऐसा दौड़ा। इस पूरे मैराथन की हमने कवरेज की। उस दौरान हमने अलग अलग अधिकारी और राजनीतिक पदाधिकारी, जिसमें महानगर पालिका आयुक्त और पूर्व प्रथम महापौर, पूर्व महापौर आदि सभी लोगों के हमने इंटरव्यू लिए, उनसे प्रतिक्रिया ली। वो वीडियो आप आगे जरूर देखिए। और कहीं न कहीं एक बार फिर वसई विरार महानगर पालिका मैराथन का सफल आयोजन हुआ, उसके पीछे एक टीम वर्क, उसका मुआयना हमें देखने को मिला, किस तरह से एक टीम वर्क रहा और किस तरह से ये पूरा एक आयोजन सफल हुआ। तो आज अभी के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आगे वीडियो में सभी महानुभावों के हमने इंटरव्यू लगाए हैं, उनको जरूर सुनना, उनका क्या, उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनका क्या इस पे कहना है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।
सर क्या कहेंगे, चेहरे पे एक खुशी झलक रही है, एक अच्छा सफल आयोजन हुआ, क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो वसई विरार महानगर पालिका नेशनल लेवल की मैराथन, उस मैराथन में पार्टिसिपेट से उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे तैयार हुआ। सर जिस तरह से यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों ने मेहनत की, यहाँ पे ये मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन के लिए हमारे महापालिका के कर्मचारी, सभी पदाधिकारी, एनजीओ, नागरिक, इन सभी का सहभाग से मैराथन का आयोजन बहुत अच्छी तरह से हुआ है। इसमें विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि हमारे सॉलिड वेस्ट के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्होंने रात को 3 बजे तक रस्ते होगी, यहाँ का परिसर होगा उसकी साफ सफाई की है। यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है उन्होंने भी यहाँ पे अच्छी तरह से रोशनी की है, यानी कि त्योहार का वातावरण यहाँ पे निर्मित हुआ है और यहाँ के पैचवर्क हुआ या रस्ते की मरम्मत होगी बहुत अच्छी तरह से हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने भी की है। इसके कारण हमारे महापालिका के अधिकारी, कर्मचारी, सभी नागरिक, हमारे सभी पदाधिकारी, आमदार, खासदार या सभी एनजीओ, पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सब पत्रकार, यूट्यूब के सब पत्रकार, इनके सभी के सहयोग से हमारी ये मैराथन अति बिल्कुल उत्साहपूर्वक और जोशपूर्वक वातावरण में अभी कम्प्लीट हुई है। महापौर साहब क्या कहना चाहेंगे इस मैराथन 11वें संस्करण के बारे में? एक यशस्वी मैराथन स्पर्धा है जो भारत भर में इलेक्ट जो धावपटु रहते हैं वो साल भर इस मैराथन के लिए ये रहते हैं, भागने के लिए उत्सुक रहते हैं कि ये कभी मैराथन आता है, क्योंकि ये एक परफेक्ट नियोजन, अच्छे उत्कृष्ट सब कार्यकर्ता के वजह से बहुत अच्छी तरह से ये मैराथन आयोजन किया जाता है और पूरे भारत भर में ये मैराथन नंबर 1 पे आ गया है। इस बार 18 प्रतिस्पर्धा थी जिसमें खास करके व्हील चेयर की नई एक प्रतिस्पर्धा थी, उसमें भी लोगों ने भाग लिया, क्या इसके बारे में महानगर पालिका जिस तरह से सतत प्रयास कर रही है तो क्या कहना चाहिए? नहीं, महापालिका ये जो दिव्यांग है इनके लिए हमेशा प्रयोग करे, हमारे जो लोक नेता इतेंद्र ठाकुर जी उनके उन्होंने ही अपने महापालिका में दिव्यांगों के लिए हम लोग ने बहुत सारी स्कीम चालू की है जो किसी भी महापालिका ने, और ये मैराथन में भी हम लोग ने उनके लिए ये एक दौड़ शामिल किया था और उनमें से बहुत से आज दिव्यांग ने यशस्वी जितने उन लोग ने इस दौड़ में शामिल हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी सफलतापूर्वक मैराथन का आयोजन संपन्न हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मैराथन जो है ये अपने महाराष्ट्र में नहीं तो पूरा इंडिया में फेमस मैराथन है, क्योंकि ये पूरे ग्रीन बेल्ट में जाती है, बहुत अच्छी सुविधा है। महानगर पालिका उसका स्टाफ, सब नगर सेवक, आजीवाजी नगर सेवक, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के सब सोशल वर्कर, अलग अलग पार्टी के सब लोग बहुत अच्छे पार्टिसिपेट करते हैं और इसके लिए ये बहुत फेमस है। सबसे मेन यहाँ आने वाले एथलीट जो है बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि ये 42 किलोमीटर का पूरा ट्रैक जो है पूरा ग्रीन है, पूरा क्लीन है, नीट रहता है, वहाँ की सुविधा अच्छी है, पानी की सुविधा है, खाने की, ब्रेकफास्ट की, वसई विरार मेडिकल स्कूल के डॉक्टर यहाँ पे सेवा देने वाले हैं, 100 से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, IIS हॉस्पिटल है और अलग अलग जो संस्था है वो यहाँ पे हेल्प करती है, इसके लिए मैराथन सक्सेस होती है। 15,000 के ऊपर स्पर्धक यहाँ पे है। मैं आने वाले सदी में सब बच्चों को और यूथ को यही कहना चाहूँगा कि आपने भी ऐसे स्पोर्ट्स में पार्ट लेना चाहिए, स्पेसिफिकली सब स्कूल में अपने बच्चों को यहाँ पे भेजना चाहिए सभी के अलावा। आज के समय में भी बहुत से बच्चे हैं वो मोबाइल में रहते हैं और ग्राउंड पर उतरकर फिजिकली, तो बताया ना मैं कि फिजिकल फिटनेस के लिए उन्होंने मोबाइल छोड़ के एक्चुअल रन में उतरना चाहिए। फिनिश लाइन के द्वारा स्पर्धा ये बहुत अच्छे पैमाने पे यहाँ उसका आयोजन, एक में ऐसी महानगर पालिका माध्यम से की गई मैराथन स्पर्धा स्तर पर बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट यहाँ आते हैं और अपना मैराथन वसई विरार के लिए बहुत इवेंट है। मैराथन का आयोजन सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुका है,
आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या नया था आज? आज पार्टिसिपेंट बड़े हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा था और शुरुआत से एंड तक 42 किलोमीटर लोग चीयर अप कर रहे थे और ये नज़ारा सिर्फ वसई विरार में देखने को मिलता है। हर जगह स्टार्ट और एंड में ही रहता है लेकिन यहाँ पे पूरे 42 किलोमीटर पे लोगों को चीयर अप कर रहे थे, पार्टिसिपेंट को चीयर अप कर रहे थे। कोरोना के बाद से कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट की संख्या थोड़ी कम हुई है, उसको और बढ़ाने के लिए अपन क्या इंकरेजमेंट कर सकते? पार्टिसिपेंट की संख्या कम नहीं हुई है, बढ़ी है, सिर्फ इतना ही है कि जो अलग अलग इवेंट्स है इसमें, ये बार तो व्हील चेयर से भी लोगों ने दौड़ की तो ये नया था ये साल के। धमाल धाम एक विशेष तौर पर रखी जाती है जिसमें अलग अलग संदेश होते हैं, उसमें क्या खास था? धमाल धाम में लोगों ने अलग अलग संदेश दिए, समाज के लिए जो संदेश चाहिए, लोगों के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, लड़कियों के लिए जो संदेश चाहिए वो अलग अलग संदेश दिए, जो ने जिसने एटमॉस्फेयर बहुत ही बढ़िया की। आज के मैराथन आज के 11वीं मैराथन है और ये मैराथन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। 41 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और इस साल स्पेशली डिसेबल्ड के लिए 5 किलोमीटर की व्हीलचेयर रन भी थी, तो बहुत अच्छे तरीके से ये मैराथन वसई विरार शहर महानगर पालिका प्रशासन की ओर से और नागरिकों की उत्स्फूर्त प्रतिसाद की वजह से कम्प्लीट हो चुकी है। आज के युवा पीढ़ी अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो मोबाइल में सिर्फ रहते हैं और ग्राउंड पर नहीं उतरते, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? एक घंटा खुद के लिए रोज़ निकालना ज़रूरी है, उसमें आप मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, पॉजिटिविटी के लिए आप कुछ ना कुछ कीजिए। मतलब सर आज मैराथन का आयोजन हुआ, सफल मैराथन एक बार फिर से 11वीं आयोजन हुआ, कैसा रहा आज का ये अनुभव? आज अच्छी तरह से मैराथन का वसई विरार महापालिका प्रशासन ने अच्छी तरह से इसका नियोजन किया है और करीबन 14,000 से भी ज़्यादा स्पर्धक इस स्पर्धा में आए हैं और कहीं ना कहीं इस स्पर्धा के माध्यम से वसई विरार महापालिका और वसई विरार क्षेत्र का कहीं ना कहीं एक अच्छा नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जा रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हमेशा बोलते आए हैं कि स्पर्धा जो है वो और फिट इंडिया को लेकर ये जो एक प्रकार की स्पर्धा का आयोजन होता है उसके लिए स्पर्धा के लिए आप जो भी लोगों ने सहभागिता की है और विजेताओं को मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभेच्छा देता हूँ। इधर गूगल पे बार कोड को स्कैन कर गूगल पे के जरिए भी हमें आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।